नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। शिक्षार्थियों, आज आपसे जिस विषय पर चर्चा होगी उसका शीर्षक है लेखन हेतु प्रारंभिक कौशल। यह पाठ्यक्रम संख्या 503 है और ब्लॉक 2 है। हम सभी के लिए यह खुशी की बात है कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच शिक्षा और साहित्य और भाषा तीनों पर समान रूप से अधिकार रखने वाले डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। आप सभी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञानदेव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर वैशाली, बिहार में कार्यरत हैं। शिक्षार्थियों, भाषा से अर्जित की जाने वाली जो उपलब्धियां हैं उसे आपने विभिन्न तरीकों से जाना है और आपने ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों के अंतर्गत भी इस विषय पर अपनी समझ बनाई है। आज हम लोग भाषा शिक्षण से अर्जित होने वाले जो चार कौशल बताए गए हैं उनमें से अंतिम कौशल यानी सुनना, बोलना, पढ़ना के बाद का जो कौशल है लिखना पर हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर। और लेखन हेतु प्रारंभिक कौशल क्या हो सकते हैं इस पर हमारी बातचीत होगी। ज्ञानदेव जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चे बच्चियों के लेखन में किन बिंदुओं पर बल देना चाहिए, यहीं से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत की। आपसे निवेदन है कि आप प्राथमिक स्तर के कक्षाओं में बच्चे बच्चियों के लेखन में जिन बिंदुओं पर बल देना चाहिए उस पर हमारे शिक्षार्थियों के सामने स्पष्ट दिशा निर्देश देने। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चों के लेखन कौशल को स्वाभाविक रूप से विकसित किया जा सकता है। विकसित करने में सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जाता है कि बच्चे किस प्रकार वर्णमाला को सीख जाए। प्रायः अध्यापकों की यह सोच होती है कि बिना वर्णमाला ज्ञान के लिखने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती, किंतु यदि इस पर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम वर्णमाला पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। शुरुआत से ही हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को लेखन के किस तरह के मौके प्रदान कर रहे हैं तथा उपयुक्त तरीके से आकलन करने से पूर्व यह अत्यंत जरूरी है कि हम बच्चों को अपने मन की बात लिखकर अभिव्यक्त करने का मौका दें। कहने का आशय यह है कि सिर्फ वर्णमाला लिखवा देना ही लेखन नहीं है, बल्कि लेखन उससे अलग और आगे की चीज़ है। और वर्णमाला की शुरुआत आवश्यक नहीं कि हम वर्णमाला लेखन से ही शुरू कराएं, बल्कि प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन के विकास के विविध तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका चित्र बनाना हो सकता है। जी, बच्चे चित्रों के माध्यम से स्वयं अपनी बात कहकर आनंदित होते हैं। जी, आड़ी तिरछी रेखाएं और चित्र बनाते हैं और अपनी बात आपको भाग भाग के दिखाते हैं। जो उन्होंने देखा है उसको कोशिश करते हैं चित्र के माध्यम से व्यक्त करने की। यदि आप में से बहुत सारे लोगों ने तारे जमी पर फिल्म देखी होगी, या आपको याद हो कि वह एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही अच्छे बढ़िया चित्र बनाता है, वो किस तरह से अपने माता पिता से दूर होने की कहानी को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता जी, है वो और एक खास स्थान पर आने के बाद वह उनके पास से गायब हो जाता है या बाहर निकल जाता है। जी, तो चित्र बनाकर भी बच्चे अपनी बात कह सकते हैं और कहते हैं, तो चित्र बनाने को भी हम लेखन सीखने का एक माध्यम या लेखन की शुरुआत करने का एक माध्यम मान सकते हैं। आमतौर पर सारे बच्चे जी इसी तरह से लिखने की क्रिया की शुरुआत करते हैं, वो कहीं भी कुछ लिख देते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। वो औपचारिक शिक्षा बिल्कुल से परिचित हुए बिना ही जी घरों में भी किसी किताब पर, किसी कॉपी में या किसी दीवार पर वो लिखते हैं, यानी वो अपनी बात अभिव्यक्त करते हैं। जी, तो चित्र बनाना भी लेखन कौशल का एक हिस्सा और जरूरी हिस्सा, उपयोगी हिस्सा हो सकता है। जी, बच्चे चित्रों के माध्यम से स्वयं अपनी बात कहकर आनंदित होते हैं। उन्हें अपनी बात बोलने के अलावा एक और ढंग से कहने का अवसर मिल जाता है। जी, जो वो बोलकर कहते अब वो लिखकर चित्र के माध्यम से लिखकर बता रहे हैं आपको, परंतु शिक्षक या अभिभावक बच्चों के चित्र लेखन पर ज़्यादा गौर करते नहीं या फिर
समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चे इन चित्रों के माध्यम से कुछ कहना कुछ कह रहे हैं। यह शुरुआती लेखन से जुड़ा एक चरण है, यह ध्यान में रखना चाहिए। अतः शुरुआती दौर का चित्र लेखन पढ़ना लिखना सीखने का अहम हिस्सा होता है। शिक्षक और अभिभावकों को इसे समझना चाहिए और इसका आकलन भी करना चाहिए। रेखाचित्र से कहानी बनाकर लिखना, हम रेखाचित्र से कहानी बनाकर भी बच्चों के लेखन कौशल में वृद्धि कर सकते हैं जी। पाठ्य पुस्तकों, अखबारों इत्यादि में छपे हुए रेखाचित्रों को में रंग भरवाकर बच्चों से छोटी छोटी कहानी बनवाकर भी उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चों की रुचि के अनुसार अखबार या पत्रिका में से कुछ चित्र काटकर कक्षाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है और उन पर चर्चा कराई जा सकती है जी। जी, चित्र आकर्षक हों, चित्रों में बातचीत करने की भरपूर संभावनाएं हों, गुंजाइश हो, और चित्रों को चुनते समय इन बिंदुओं पर हम ध्यान रखें। और साथ ही साथ चित्रों के सहारे या इन रेखा चित्रों के सहारे जब कहानी या बच्चों को हम कुछ कहने का या कुछ लिखने का मौका देते हैं तो ये ध्यान में रखें कि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता हो, वो नियंत्रित वातावरण में न हो कि रेखा चित्रों को ऐसे ही देखो, देखो इस रेखा चित्र में ये है, यहाँ मोर है, यहाँ भालू है। ये सब कहने से बेहतर है कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ें, जहाँ वो अपनी भावनाओं को या अपनी समझ को, चित्र को देखकर जो भी समझ बच्चे की बनती है उसे आप तक पहुँचा सकें। इसके लिए जरूरी है कि इन रेखा चित्रों में रोचकता हो, स्पष्टता हो, ये बच्चों के परिवेश से उनका जुड़ाव हो या किसी भी तरह की हिंसा से ये मुक्त हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के साथ बैठकर चित्रों पर चर्चा करें और बच्चों के विवरण को बोर्ड चार्ट पर लिखें एवं बच्चों के साथ मिलकर पढ़ें। जो भी विवरण उभरता है, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं जी, आपने सबको अवसर दिया है इस रेखा चित्र या चित्र पर अपनी बात कहने का, तो उन बातों को पहले हम कहीं ना कहीं लिख लें, या तो किसी चार्ट पेपर पर या श्याम पट पर। स्थानीय क्षेत्रीय त्योहारों से जुड़े चित्र, स्थानीय घटना आदि से जुड़े चित्र, स्थानीय पशु पक्षियों से जुड़े चित्र चित्र विवरण एवं लेखन के विषय हो सकते हैं जी। वे जिन्हें बच्चे रोज देखते हैं जी, जो उसके आसपास पेड़ पौधे हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो स्थानीय त्यौहार हैं, जिनसे वो आत्मीयता पूर्ण संबंध जी, जिनसे उनका जुड़ाव या संबंध विकसित हो चुका है जी। शिक्षक इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बच्चों के लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधि द्वारा बच्चा अन्यान्य चित्र पर भी अपनी भावनाओं को लेखन कौशल के द्वारा व्यक्त कर सकता है। ये भी लेखन कौशल का ही एक तरीका है कि आपने उस पर पहले बातचीत की और फिर बच्चों को कहा कि अच्छा अब हम इसको लिखते हैं जी। जी, तो बच्चे उस पर अपने ढंग से लिखेंगे। और हर बच्चा, हम सब जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे के सीखने का पैटर्न अलग होता है और किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया भी लगभग अलग अलग होता है जी। तो हो सकता है कि बच्चे अपने अपने नज़रिए से उस रेखा चित्र को या चित्र को देखें और अपनी बात को लिखें। कई बार होता यह है कि जब हम उन्हें बोलने के लिए कहते हैं तो एक झिझक के कारण वे बहुत सी बातें नहीं बोल पाते हैं। इसलिए लेखन में एक सुविधा और सहूलियत यह भी है कि, और यह हम सबको अनुभव भी है अपने जीवन का, विशेष करके किशोरावस्था का, कि बहुत सी ऐसी बात जो हम बोल कर नहीं कह सकते थे उसे हमने लिखकर प्रकट किया था जी। जी, तो इसलिए लेखन में यह छूट होती है कि आप जिन बातों को बोलकर प्रकट नहीं कर सकते उन्हें लिखकर प्रकट करने की पूरी छूट है। तो इसलिए आगे बढ़ते हुए हम इसकी चर्चा करें कि लेखन में उन्हें हम अपनी रुचि की चीज़ों के बारे में लिखने का अवसर पहले दें, न कि हम उन पर कुछ चीज़ें थोप दें, बल्कि उनकी अपनी रुचि के अनुसार। अक्सर लेखन जिनमें वो सहजता से अपनी बात कह सकें जिस विषय पर जी अक्सर लेखन में यह माना जाता है जिसमें लेखक का अपना दृष्टिकोण और लिखी गई बात से उसका जुड़ाव होता है। लेखन वही है ना जिसमें लेखक अपना नजरिया, अपनी बात कह सके, तभी हम कहते हैं कि ये फलाने की लिखी हुई या फलाने लेखक की यह रचना है या उनके द्वारा लिखी गई है। बच्चों को भी अपने दृष्टिकोण का विकास करने के मौके लेखन संबंधी गतिविधियों द्वारा दिए जाने चाहिए जी, जिसकी कमी हमारे स्कूलों में है जी। हम तो निबंध और लेख भी लिखवाते हैं तो कोशिश करते हैं कि बच्चे विभिन्न पुस्तकों से उसे रट लें और यथावत अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख डालें जी। वहाँ भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और विशेष करके जब हम उन्हें अपने मन की बात या अपनी तरह से किसी बात को लिखने का अवसर देते हैं तो ध्यान रखें कि वो अपनी तरह से अपनी बात लिखने का तरीका
या दूसरों की बात भी पढ़कर समझकर अपनी तरह से लिखने का तरीका धीरे धीरे उनमें विकसित होता जाए। बच्चों से लेखन के पूर्व चर्चा करना उन्हें नए नए विचारों तथा पहलुओं का लेखन में समावेश करने की प्रेरणा भी देता है। यदि हम बच्चों के साथ संवाद करें किसी विषय विशेष पर और उनको कुछ सूचनाएं जिसकी ज़रूरत उनको है यदि उपलब्ध करा दें और उसके आधार पर उन्हें कहें कि वो लेखन करें, तो जब नए नए विचार, कुछ नई सूचनाएं उनके आसपास रहेंगी जी, तो उसमें से हो सकता है कि लेखन बिंदुओं का चयन करने में या लेखन का चयन करने में उन्हें सहूलियत हो। इसलिए किसी भी लेखन के पूर्व बच्चों से चर्चा कर लें कि वे उसमें कौन सी बातें सम्मिलित करने की सोच रहे हैं जी, यानी चयन का अधिकार उनको हो जी। हम चयन करने के लिए जैसे इस मेज पर बहुत सी सामग्री रख दी और इसमें से कहा कि आप इसमें से जो कुछ चाहते हैं उसे चुनें और अपने लेखन का विषय बना लें। यदि बच्चे किसी विषय विशेष पर नहीं लिखना चाहते और चर्चा के बाद भी वे अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इतनी छूट जरूर मिलनी चाहिए कि वे विषय बदल लें जी जी। वे किसी अन्य विषय पर लिखना चाहें तो उन्हें लिखने का मौका मिले। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लेखन के अवसर उनकी जिंदगी से जुड़े अनुभवों, जो कि उनके बहुत करीब का हो, से संबंधित होना चाहिए जी जी। इससे बच्चों को यह स्पष्ट रहता है कि क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है, और उन्हें अपनी बात खुलकर कह देने से उनके अपने दृष्टिकोण का निर्माण होता है। साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग की तरफ आपने ध्यान दिलाया जी। आमतौर पर होता यही है कि तीसरी या चौथी कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उनको हम कोई भी विषय दे देते हैं कि उस विषय पर लिखो। अब जो विषय उसके स्मृतियों का हिस्सा ही नहीं है, अब आपने किसी गांव में रहने वाले लड़के को जो कि अपने शहर से बाहर निकला ही नहीं है, और आपने दे दिया कि राजपथ पर गणतंत्र दिवस का परेड, इस पर तुम्हें लिखना है, कैसे लिख सकता है वो? वह उसकी स्मृतियों का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह बात कही जा सकती है कि वो टेलीविजन पर देखकर या रेडियो पर देखकर उस तरह से देखा हो तो अपनी स्मृतियों का हिस्सा बना सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि जो उसके परिवेश का विषय है उसी पर उसके लिए लिखने के लिए कहा जाए, तो उससे उसकी निकटता बढ़ती है, वह सहज महसूस करता है और अपनी बातों को खुलकर कहने की उसके पास सामर्थ्य विकसित होती है। जी जी, बिल्कुल सही जी। तो वैसे ही निरंजन जी, जैसे लेखन कौशल के विकास के लिए हम लोगों ने कविता रेखाचित्र के बारे में बात की, उसी तरह कहानी भी एक माध्यम हो सकती है जी जी लेखन को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ। या लेखन तो हम चाहेंगे कि कहानी का किस तरह से जी जी लेखन में उपयोग किया जा सकता है, इस पर आप जैसे हम कहानी को आगे बढ़ाकर भी प्रारंभिक कक्षा के छात्रों का लेखन कौशल बढ़ा सकते हैं। कहानी के मूल संदर्भ में परिवर्तन करके यदि ऐसा होता तो क्या होता जी, उनके सामने एक सवाल छोड़ के जी, तब निश्चय ही बच्चा अपनी कोमल कल्पनाओं से विविध संदर्भों को सन्निहित करता है, उनमें तालमेल बिठाता है, धीरे धीरे उसकी रुचि कथा लेखन के प्रति बढ़ती जाती है। अब बच्चों के साथ मिलकर आसपास रहने वाले पालतू जानवरों के घरों के बारे में चर्चा करें और बच्चों को सोचने का मौका दें, अगर जानवरों के घर बदल दिए जाएं तो क्या होगा, इस पर उनको अनुमान करने और लिखने को कहें। जैसे कबूतर कौवे के घोंसले में रहने लगे तो, चिड़िया चूहे के बिल में चली जाए तो जी, चींटी के घर में केचुआ रह पाएगा। अगर हमारी कक्षाओं में ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि बच्चों को दो तरह से अपने को भाषिक रूप से विकसित करने का मौका मिलेगा, एक तो उन्हें अनुमान लगाने का अवसर मिलेगा जी, और दूसरा अपनी तरह से लिखने का अवसर मिलेगा जी। दूसरा यह है कि एक तरीका और भी हो सकता है कहानियों को आगे बढ़ाने का, एक नियंत्रित तरीका होता है कि हमने किसी एक कहानी को कक्षा में बच्चों को सुना दी और बच्चों से कहा कि आप इस कहानी को अपनी तरह से लिखिए। यह आमतौर पर हम प्रारंभिक कक्षाओं में कर पाते हैं जी, प्राथमिक कक्षाओं में नहीं कर पाते, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में इसका एक रूप हम कर सकते हैं कि एक कोई कहानी हमने बच्चों को सुना दी और कहा कि उस कहानी को तुमने जैसा समझाया बुझा है वो दो चार पांच वाक्य उसमें लिख दो जी जी।
उस हिसाब से बच्चे लिखना सीखेंगे जी, और ध्यान भी रखेंगे कि जब कहानी पढ़ी जा रही है तो उस समय उनकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि इस कहानी पर कुछ लिखना भी पड़ सकता है जी। कई बार एक प्रयोग और भी बहुत सारे शिक्षकों ने किया है और प्राथमिक कक्षाओं में किया है जी, कि वो 5-7-10 बच्चों को एक साथ बिठा के एक कहानी सुना देते हैं और फिर एक एक बच्चे को कहते हैं कि उस कहानी को आगे बढ़ाओ जी। यानी पहला वाक्य पहले बच्चे ने यदि लिखा तो दूसरा वाक्य दूसरा बच्चा लिखेगा, और इस तरह से लिखा जाना चाहिए ताकि जो कहानी सुनाई गई है कुछ उससे मिलती जुलती कहानी ही रहे जी। जी तो कई बार होता यह है कि उस पूरी कहानी की शब्दावली बदल चुकी होती है अंत तक जाते जाते, हो सकता है कि संदेश भी बदल जाए जी, लेकिन बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं और इससे यह भी पता चलता है कि बच्चों ने उस सुनी हुई कहानी को किस संदर्भ में और किस तरह से समझा है जी। तो कहानी एक और कहानी का ये एक तरीका भी बहुत कारगर होता है लिखना सिखाने के लिए। एक और तरीका है जिसका उपयोग हम श्रुति लेख जिसको जी कहते हैं, प्राचीन काल से जी ये चलता आ रहा है और वाचिक परंपरा। तो इसका लेखन से क्या संबंध है श्रुति लेख का? श्रुति लेख का तात्पर्य आप सब जानते हैं कि सुनकर लिखने से है। इस प्रक्रिया में शिक्षक गद्यांश या पद्यांश के कुछ भागों को बोलते हैं और शिक्षार्थी उसे लिखते हैं। श्रुति लेख में सुंदर लिखावट का सर्वाधिक महत्व हो ऐसा नहीं है। आमतौर पर हम लोग ये कहते हैं कि सुंदर लिखावट ही सबसे महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक बड़ा भारी बाधक है कि अच्छी लिखावट न हो तो उसे लिखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, श्रुति लेख में बहुत सुंदर लिखा जाए ये नहीं है, बल्कि सुनकर जो सुना गया उसको आपने जिस तरह से सुना उसी तरह से लिखेंगे जी। तो आपके दो कौशलों की जाँच एक साथ हो जाती है, श्रुति लेख सुनने की भी और लिखने की भी जी। हो सकता है कि आप सुन तो ठीक रहे हैं लेकिन लिख आप गलत रहे हैं जी। जी कई बार होता यह है कि आप सुन गलत रहे हैं लेकिन लिख सही रहे हैं जी। जी जैसे मान लीजिए कि एक भोजपुरी भाषी आदमी यदि श्रुति लेख लिखा रहा है तो आमतौर पर तालव्य श की गड़बड़ी करेगा, साम बोल देगा, वो सीसा कहेगा साम बोलेगा, लेकिन लिखने वाला भी यदि भोजपुरी भाषी है तो शाम लिखेगा सीसा लिखेगा जी। तो इसलिए श्रुति लेख आमतौर पर इसलिए भी प्रयोग में लाया जाता है कि आपके इन दो कौशलों की जांच उससे अभ्यास से आप सही की तरफ बढ़ें जी। बिल्कुल जी। और सुनकर लिखने की जो क्षमता है वो भी विकसित हो जी। इसमें महत्व भाषा की शुद्धता का हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। इसका उद्देश्य छात्रों की श्रवण इंद्रियां प्रशिक्षित करना है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके और उसका उपयोग कर सके। इसके द्वारा बच्चे के हाथ कान मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है जी। जी ये एक बड़ा अच्छा काम श्रुति लेख के द्वारा कक्षाओं में किया जाता है कि एक संतुलन स्थापित होता है और उसकी स्मरण शक्ति विकसित की जाती है जी। यह एक तरह का अभ्यास है जिसमें उसकी स्मरण शक्ति का भी हम विकास करने का अवसर देते हैं। श्रुति लेख की शिक्षा के लिए अध्यापक को गद्यांश या पद्यांश चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह न तो बहुत अधिक कठिन हो और न ही बहुत अधिक सरल, मध्यम मार्गी मामला है कि बच्चों की रुचि और जरूरत के अनुकूल होना चाहिए। कुछ लोगों के मतानुसार श्रुति लेख वर्तनी शिक्षण के लिए भी आवश्यक है, शुद्धता के लिए, मतलब शुद्ध लिखावट के लिए या शुद्ध वर्तनी के लिए आवश्यक है। श्रुति लेख वर्तनी शिक्षण के लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना कि सुनकर लिखने और एक निश्चित गति में लिखने के अभ्यास के लिए आवश्यक है जी। यानी यह जो वर्तनी की शुद्धता है उससे ज्यादा है कि वो सुनकर एक निश्चित गति में लिख सके जी। जी श्रुति लेख से वर्तनी का परीक्षण हो सकता है, शिक्षण नहीं हो सकता। आप जांच सकते हैं श्रुति लेख से वर्तनी को, लेकिन वर्तनी के माध्यम से उसका शिक्षण नहीं हो सकता जी। इससे बच्चों में काल्पनिकता के साथ साथ लेखन कौशल का विकास भी होता है। इसके अवसर बहुत थोड़े होते हैं लेकिन अवसर है। लयात्मक शब्दों से तुकबंदी करना प्राथमिक स्तर पर यह सबसे सटीक प्रक्रिया है जी। जी लिखना सीखने के में कविता का इस्तेमाल करें, लय का इस्तेमाल करें, तुक का इस्तेमाल करें, और यह पठन और लेखन दोनों कौशलों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण जी। जी इसे हमारे शिक्षार्थी जी और ऐसे भी पठन और लेखन कौशल का विकास लगभग
विद्यालयों में साथ साथ ही करने की गुंजाइश भी है, इसलिए बहुत अलग अलग बांट के इसको नहीं देखा जा सकता। जी जी, हमें पठन और पढ़ने और लिखने के कौशल को एक साथ करके ही देखना चाहिए। जी जी, अब ये चार कौशल अलग अलग हैं, ये ठीक बात है, लेकिन कौशलों में आपसी रिश्ता भी है, इसे भी हमें ध्यान में रखकर अपनी शैक्षिक रणनीतियों का या कक्षाई क्रियाकलापों का निर्धारण करना चाहिए। जी, इसके द्वारा शिक्षक कक्षा में हल नल चल जैसे दो चार शब्द का लेखन श्याम पट पर कर देते हैं। जैसे ये हल नल चल हम लोगों ने भी मनोहर पोथी से पढ़ाई इसी पद्धति से की थी। बाद में बच्चों से कहें कि उसी के समान अन्य शब्दों वाले शब्द लिखें, तो वैसे ही शब्द हों, नल हल चल फल कल टल, कुछ ऐसे शब्द बच्चे लिखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं, छोटे बच्चे ऐसा शब्द मिलान करके बना देते हैं। धीरे धीरे बच्चा भी इसी के समान शब्दों का लयपूर्वक तुकबंदी करने लगता है। पल थल ढल कल इस तरह के शब्द हो सकते हैं जो बच्चे सिर्फ मिलान करने के लिए बना देते हैं। इसे हम कविताओं और कहानियों में भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें छोटे छोटे वाक्य संरचना को दोहराया गया हो। उसे ढूंढें और बच्चों के सामने उसकी कम से कम दो पंक्तियां या अनुच्छेद ब्लैक बोर्ड या चार्ट पर लिख दें। हम ऐसे लयात्मक चीज़ों की एक सूची बना लें और उसे कक्षा में लगा सकते हैं अलग अलग, जब वर्ण सिखाने के लिए भी हालांकि इसका उपयोग किया जाता है, तो वर्ण सीखना भी लेखन कौशल से जुड़ी हुई चीज़ है। एक दो बार उसे बच्चों के साथ उसे रोचक ढंग से पढ़ दें, जो भी लिखा गया है, नल हल चल जी जी, ताला माला ला, जो मनोहर पोथी का एक बहुत मशहूर वाक्य है, उसमें हर बच्चे अपनी कल्पना से कुछ जोड़ भी सकता है, उसे मान्यता दें। यानी बच्चा यदि उसमें कुछ जोड़ता है तो उसी समय आप सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द के चक्कर में न फंसिए। आप मान लीजिए कि उसने दो सार्थक वर्णों को मिलाकर और जो अस्तित्व वाले वर्ण हैं उनको मिलाकर और तुक मिला दिया है, ताकि वो कम से कम लय तो समझ रहा है, तुकबंदी समझ रहा है। जैसे चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में, चीनी की तलाश में, गाय ओ गाय कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में, घास की तलाश में, ओ चूहे की तलाश में, कहाँ गई थी, अरे यहीं थी पास में। तो इस तरह के जो लयात्मक, इस तरह की जो लयात्मक कविताएं हैं वो बच्चों को आनंद भी देती हैं और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित भी करती हैं। इस प्रकार अपनी समझ बनाने के बाद आपको लिखने सीखने की समस्या प्रतीत नहीं होगी एक शिक्षक के रूप में, यही इसका समाधान भी है। इस तरह से यदि हम आगे बढ़ते हैं इन प्रक्रियाओं के द्वारा, जब शुरुआती लेखन से संबंधित कुछ और बातों को सूत्रबद्ध रूप से समझने की ज़रूरत है, आइए हम उसे कुछ शीर्षकों के माध्यम से समझें। इसे परिचालन कुशलता, लिखने में अनेक कौशलों में समन्वय की ज़रूरत होती है। जी, एक बच्चा या बच्ची लिखना सीख सके इसके पहले उसके द्वारा उन कौशलों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है जो इससे जुड़े हैं। पहले बच्चे या बच्ची में परिचालन क्षमता, उंगलियों की पकड़ अच्छी तरह से विकसित होनी चाहिए। परिचालन कौशलों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ अंतःक्रिया करानी चाहिए और उन्हें उन वस्तुओं को जैसा वे ठीक समझें उसी के अनुसार परिचालित करने देना चाहिए। जी, वस्तुओं को पकड़ने और उनका प्रयोग करने से बच्चों की पकड़ विकसित होती है। चित्रकारी बच्चों में परिचालन कौशलों का विकास करने के अतिरिक्त उनका मनोरंजन भी करती है, इसलिए बच्चों को चित्र ड्राइंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी चित्रों के माध्यम से हम उनमें परिचालन कुशलता का विकास कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि भाषा सीखने के लिए, भाषा के किसी भी कौशल के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य की सभी ज्ञानेन्द्रियाँ ठीक ठीक काम कर रही हों, इसलिए उन ज्ञानेन्द्रियों का भी एक तरह से को उस तरह से दक्ष बनाना जो भाषा सीखने के लिए जरूरी है यह आवश्यक होता है। बच्चों की चित्रकारी में आरंभ में तो अर्थहीन लिखावट जैसे आकार बनते हैं जो धीरे धीरे पहचानने योग्य विशेष आकारों और आकृतियों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा एक बर्तन में पानी उढ़ेलना, फूलों की माला बनाना, मिट्टी या गारे से आकृतियाँ बनाना जैसे खेल भी
परिचालन संबंधी कुशलताओं के विकास में सहायता करते हैं। बच्ची के घर का वातावरण उसे इस तरह के कामों के लिए पर्याप्त मौका देता है, इसलिए अध्यापक को बच्चे बच्चियों को इस तरह की गतिविधियों के मौका देना चाहिए। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के अभ्यास के बारे में भी जी बातचीत हो। अमूमन यह समझा जाता है कि अक्षरों का बार बार अभ्यास करने से वाक्यों को लिखना सीखने में सहायता मिलती है। यह बात एक सीमा तक सही है, किंतु यदि बच्चे अक्षरों को दोहराने के कठिन कार्य में लगे रहें तो लिखना सीखना आरंभ करने से पहले ही लिखने के प्रति उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। हालांकि बच्चों को लिखित शब्दों से परिचित कराने में अलग अलग अक्षर और वर्णमाला उपयोगी हैं, किंतु वे तब तक अर्थपूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि शब्दों और वाक्यों के साथ उनके संबंध को स्पष्ट नहीं कर दिया जाए। जी जी, बच्चों को लिखना सिखाने में दो बातें महत्व रखती हैं, उनकी योग्यता एवं क्षमताओं का सम्मान करना और ऐसा आनंददायी वातावरण तैयार करना जिसमें वे सीख सकें। इस बात को समझना आवश्यक है कि बच्चे में भाषा सीखने की अपार एवं जन्मजात क्षमता होती है। वे सामाजिक अनुभवों के माध्यम से, जिनमें कि बोलना और सुनना शामिल है, स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। इसी तरह लिखित सामग्री से जुड़े अर्थपूर्ण अनुभवों के माध्यम से अधिकांश लिखने के नियम भी ग्रहण कर लेते हैं। जी, पढ़ने पढ़ाने के क्रम में हम अवसर यह इस मान्यता को मानते हैं कि बच्चों को हर चीज़ बताने की आवश्यकता होती है। उन्हें जब तक बताया नहीं जाएगा वे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इस प्रकार की मानसिकता से छुटकारा पाने की जरूरत है और बच्चों की क्षमताओं का सम्मान करने की जरूरत है। स्कूल आने से पहले बच्चों में एक विशेष लिखने की क्षमता भी होती है। यह एक आम बात है कि बच्चे मिट्टी, फर्श या कागज पर अलग अलग किस्म के चिन्ह व आकृतियाँ बनाकर अच्छी खासी कहानी सुना देते हैं। यह आकृतियाँ उनके लिए निरर्थक नहीं होती, बल्कि अपनी बातचीत को लिखकर कहने की एक विशेष लिपि होती है। बच्चों की अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया चित्र को पूरा करने के लिए टुकड़ों के साथ जोड़ने जैसा कार्य नहीं है, बल्कि वास्तव में तो यह इससे उल्टी प्रक्रिया है। जी जी, सबसे पहले एक संपूर्ण चित्र आकार लेता है और फिर विशिष्ट चीज़ें अलग अलग तरीके से स्पष्ट होती चली जाती हैं। जी, जब तक कि एक सार्थक संपूर्ण चित्र उपलब्ध नहीं कराया जाता, छोटी विशिष्टताएं जैसे कि एक वर्णमाला के अलग अलग अक्षर कोई अर्थ नहीं रखते तथा यह उबाऊ भी होगा। जी, इस तरह का प्रयास लिखने की समूची प्रक्रिया के प्रति टालने की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा देगा। जी जी, इसको किसी तरह कर दिया जाए। यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि भाषा की अच्छी समझ और भाषा पर अधिकार प्राप्त करना स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले लगभग सभी विषयों को समझने का आधार बनाते हैं। इसलिए लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना न सिर्फ भाषा की कक्षाओं में स्थान ग्रहण करता है या आकार ग्रहण करता है, बल्कि यह अन्य विषयों में भी, जहाँ पढ़ाई उसी भाषा में हो रही है वहाँ अन्य विषयों में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है और लेखन इन सब के लिए जरूरी है। यदि आप भाषा के माध्यम से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखना चाहते हैं तो पढ़ने और लिखने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए हम शिक्षक शिक्षिकाओं को विशेष तौर पर अपने इन बच्चे बच्चियों के संदर्भ में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें इन कौशलों के विकास करने का इस तरह का अवसर मिले जिसमें उन्हें उबाऊपन न लगे और जो उनके अनुभव जगत से मेल खाता हुआ हो, न कि हमारे घिसे हुए अनुभव जगत से मेल खाना उसकी मजबूरी हो जाए। इसलिए बच्चों की दुनिया में रहते हुए बच्चों के सीखने का यदि अवसर गढ़ा जाता है या हम गढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यह भाषा शिक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस चर्चा में के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शिक्षार्थियों, आपने लेखन हेतु प्रारंभिक कौशल के बारे में एक विस्तृत जानकारी हासिल की। विषय विशेषज्ञ के रूप में ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी का हम सभी की तरफ से आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद।